आज की दुनिया में जहाँ छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए लोग सब कुछ गवा देते हैं, कैसे में कोई दूसरों का पेट भरने के लिए अपनी जमीन नीलाम कर दे। सुनने में नामुमकिन सा लगता है ना, पर ऐसा ही किया कोलार के दो शेर पाशा ब्रदर्स ने। कोलार कर्नाटका फेमस है अपने गोल्ड माइंस के लिए, पर अब वो फेमस है अपने पाशा ब्रदर्स तजम्मुल और मुजम्मिल के लिए। बचपन में दोनों भाइयों ने अपने माँ बाप को खो दिया, इसलिए बचपन से ही दोनों को दो वक्त की रोटी का मोल पता है। इस पैंडेमिक के दौरान जब उन्होंने लोगों की परेशानी देखी, तकलीफ देखी, तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी 30x40 की जमीन बेची ताकि वो डेली वेज अर्नर्स की मदद कर सके। जमीन बेचकर उन्हें 25 लाख रुपए मिले, जिससे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए राशन पैकेट बनवाए जिसमें खाने के साथ साथ असेंशियल आइटम्स भी थे। साथ ही साथ उन्होंने किचन की शुरुआत करी जो कि सुबह और शाम हर रोज भूखों को खाना खिलाती थी। मुट्ठी भर जमीन से खुशियां और पूरे हिंदुस्तान से पाई दुआएं पाशा ब्रदर्स ने। रेड एफएम और म्यूजिक प्लस सैल्यूट करता है ऐसे जज्बे वाले लोगों को और सम्मानित करता है द राइज इंडिया अवार्ड से कोलार के पाशा ब्रदर्स को। अपनी तरफ से शुक्रिया के साथ एक छोटा सा भेंट, एक दो लाइन एक गाने का मैंने गाया था, दो चार लाइन आपको सुनाना चाहता हूँ। एक छोटी सी मूवी, प्यारी सी मूवी थी बर्फी करके, तो उसका दो चार लाइन आपको सुनाता हूँ, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा जी। न हम तुम चले टेढ़े मेढ़े से रस्तों पे नहीं पाऊंगे, चल भटक ले रहा बाबरे, न हम तुम फिरे जाके अर मस्त पहचाने रागे बदले, चल भटक ले रहा बाबरे, जीवाती निगाह में चमचमाती है भावे, छुपे हवे एक ख्याल वाले। शुक्रिया, उम्मीद है आपको अच्छा लगा। दिस इज सो ब्यूटीफुल। ईद आज के दिन ही ईद हो गई है हमारी। थैंक यू पेपोदा, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग ये जो कर रहे हैं, इतना अच्छा काम जो कर रहे हैं, उसके साथ इसके दौरान आप लोग अपना अपना ख्याल रखें, खुद का ख्याल रखें, बहुत जरूरी है।